इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन करेंगे जो इनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड है इसमें पहला क्वेश्चन है हार्मोनिक ऑक्सीटर का जिसमें हार्मोनिक ऑक्सीटर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसकी एनर्जी निकालनी है दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हार्मोनिक ऑक्सीटर की एनर्जी दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तीसरे क्वेश्चन में वन डायमेंशनल पोटेंशियल वाला है और उसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है मिनिमम एनर्जी निकालनी है चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन डायमेंशनल इज पावर इट्स जीरो पॉइंट एनर्जी विल बी मतलब जो वन डायमेंशनल है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दी हुई है इसका मतलब क्या गिविन है given है न्यू इक्वल टू टू इंटू टेन पावर फिफ्टीन हड्स और जो ऑक्सीटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ई एन इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू और अगर कह रहे हैं जीरो पॉइंट एनर्जी तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कब होगी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है या कह सकते हैं एन इक्वल टू जीरो रखने पाएगी तो ई जीरो विल बी इक्वल टू हाफ़ एच न्यू ये कितनी हो जाएगी हाफ सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन एस पर माइनस थर्टी फोर इंटू टू इंटू टेन एस पावर फिफ्टीन ये जूल में आ जाती है तो ये आती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन एस पावर माइनस नाइनटीन जूल या इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन एस पावर नाइनटीन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये कितनी हो जाती है ये हो जाती है फोर पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी हो जाती है फोर पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक हार्मोनिक ऑक्सीटर है जिसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड इट्स ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी तो हमें न्यू निकालनी है तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है तो सिंपल हारमोनियम ऑक्सीडर के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ई एन इक्वल टू एन प्लस हाफ एचन न्यू एन इक्वल टू जीरो का मतलब ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसी तरीके से एन इक्वल टू टू का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और एन इक्वल टू थ्री का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो ये कह रहे हैं एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब हमें क्या निकालना है ये E3 दिया हुआ है तो क्या गिवन है ये गिवन है E3 थ्री इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस फॉर्मूले के हिसाब से E3 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री प्लस वन बाई टू एच मतलब सेवन बाई टू एच न्यू इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट कर लेंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एच पर माइनस नाइनटीन हमें निकालना क्या है हमें निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो फ्रीकवेंसी इसकी हो जाती है न्यू इक्वल टू टू अपॉन सेवन एच ज़ीरो पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एच पर माइनस नाइनटीन जाती है टू इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पावर माइनस नाइनटीन अपॉन सेवन इंटू एच एच है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर ये आ जाएगी हर्ट्स या सेकेंड माइनस वन तो अगर हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जाती है सिक्स पॉइंट नाइन इंटू टेन एस पावर ट्वेल्व सेकेंड माइनस वन न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाती है तीसरा क्वेश्चन लेते हैं तीसरा क्वेश्चन है इन ए वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट एंड इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वन डी बॉक्स के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है ई एन इक्वल टू कितना था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर यहाँ पर लेंथ लैं दी हुई है ए तो एल स्क्वायर को हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर और ये कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा E1 E1 एक्चुअली क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर तो मिनिमम एनर्जी निकालनी है तो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी एच स्क्वायर मतलब सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन स्क्वायर माइनस थर्टी फोर का स्क्वायर ये हो जाएगा एट एम कितना है इलेक्ट्रॉन का मास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन स्क्वायर माइनस थर्टी वन ए स्क्वायर का मतलब वन एंगस्टोम है तो वन इंटू टेन एस माइनस टेन का स्क्वायर इतना एनर्जी हो जाती है जूल में अब जूल के हमें क्या निकाल लें इलेक्ट्रॉन तो वोल्ट निकाल लें तो इक्वल टू हो जाता है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन माइनस थर्टी फोर का स्क्वायर अपॉन एट इंटू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन माइनस थर्टी वन इंटू वन इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आ जाती है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब जो मिनिमम एनर्जी है वो आ जाती है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी और पार्टिकल इन्हें वन डायमेंशनल बॉक्स है थैंक यू